हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स का। आज की हम इस वीडियो में कैपिटल बजटिंग का लास्ट टेक्निक डिस्कस करेंगे, वो है टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो आज हम देखेंगे टर्मिनल वैल्यू मेथड व्हिच सेज और व्हिच अज्यूम दैट ईच ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज इमीडिएटली रीइन्वेस्टेड इन अनदर प्रोजेक्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि टर्मिनल वैल्यू मेथड ये अज्यूम करता है कि जो भी आपके पास कैश इनफ्लो आ रहा है दैट इज रीइन्वेस्टेड इन अनदर प्रोजेक्ट। आउटफ्लो है दैट आर कंपाउंडेड रेदर देन डिस्काउंटिंग। जबकि हम एनपीवी में क्या करते थे, एनपीवी में हम बैकवर्ड डिस्काउंटेड करते थे प्रेजेंट वैल्यू को, लेकिन इस मेथड में हमने कंपाउंडेड करना है और फॉरवर्ड की तरफ लेकर जाना है। Why? Because we are assuming that the money is multiplying of cash inflows. तो यहां पर जो है, और हमने ये देखना है कि अगर सिंगल प्रोजेक्ट है then the project is accepted and in a single project if the present value of all compounded cash inflows are greater than कैश आउटले देन इन दैट केस द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। और समझ लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है, देन इन दैट केस द प्रोजेक्ट विद हायर प्रेजेंट वैल्यू विल बी हायर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ द कंपाउंडेड कैश विल बी एक्सेप्टेड। इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल द प्रपोजल विच हैज हायर प्रेजेंट वैल्यू of all compounded cash inflow is accepted or otherwise it will be rejected. तो आज हम इसी जो ये जो आपके टर्मिनल रेट ऑफ रिटर्न है इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे हम बहुत ही इजीली टर्मिनल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि टर्मिनल वैल्यू जो है वो डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है, उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। उसमें से जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है वो है आपका परपेचुटी, परपेचुटी जो मेथड है और जिसे हम कहते हैं गॉर्डन ग्रोथ मेथड भी। तो ये गॉर्डन ग्रोथ मेथड जो है इट वैल्यूज ए प्रोजेक्ट एट परपेचुटी। तो दिस मॉडल अज्यूम्स दैट द कैश फ्लो ऑफ द लास्ट प्रोजेक्ट ईयर आर स्टेबल and discount that at weighted average cost of capital to know the present value of the expected future cash flow. तो इसके perpetuity growth method का जो है formula इसको भी हम आगे समझेंगे। तो पहले मैं हम एक practical example की सहायता से समझेंगे कि कैसे calculate करते हैं terminal value और क्या इसका formula है। तो आपके सामने मैंने problem display की है जिसमें आपको मैंने बताया है इनिशियल आउटले आपका 20,000 है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 4 ईयर है, कैश इनफ्लो 10,000 है 4 साल के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान से देखिए 12% है और आपके जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है जिसमें हमने कैश इनफ्लो को री इन्वेस्ट करना है उसका जो आपको एंड ऑफ द ईयर 7% 7% 2 साल का दिया है, उसके बाद 9% दिया है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4 तो देख लीजिए इसमें कैश इनफ्लो कितना है, हर बार आपका एक जैसा कैश इनफ्लो है 10,000 10,000 10,000 और फिर आगे से 10,000। और जबकि इसमें कैश आउटले कितना हुआ है देख लीजिए, इनिशियल आउटले था आपका 20,000 वो अपने माइंड में रखिए। तो अब हम आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे यहाँ पर 7% 7% 9% एंड देन अगेन 9%। अब ईयर जो आपने इन्वेस्ट किया है नेचुरली 4 का जो आप जाएंगे अगर इस तरीके से देखेंगे एंड ईयर 3 था, फिर 2 इयर्स के लिए, फिर 1 ईयर के लिए, फिर आपका 0 ईयर के लिए। तो इस तरीके से हम कंपाउंड करेंगे क्योंकि जब हमने शुरू में इन्वेस्ट किया है तो वो 3 इयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने 2 साल के लिए कर दिया, फिर 1 ईयर के लिए, लास्ट जो 4th ईयर उसमें आपका जो आने वाला साल है वो क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब हम इसमें कंपाउंडिंग फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे आप देखिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। 1 प्लस आप करेंगे 7 ओवर 100
यहाँ पर आपका वन एन कितना है आप देखिए, एन है आपका थ्री, तो यहाँ पर 1.107 कर देंगे आप, 107/100 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से जरूर कीजिए, 1.07 को 3 टाइम्स आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा 1.225। You do it with calculator. Otherwise भी आपके पास जो NOT table है, compounded NOT table है, वहाँ से भी आप इस percentage में और इतने years में, 3 years में जाकर आप इसकी value note कर सकते हैं। और आगे अगर हम आप करेंगे तो 1. इसको कर देंगे ये दो time होगा 1.145। अब आगे 9% की सहायता से लेकर हम 1 year के लिए करेंगे तो वो तो simple 1090 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी, और लास्ट में इसकी वैल्यू क्योंकि जीरो है तो जीरो जब भी पावर होती है देन इट हैज ओनली वन वैल्यू। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर, यू विल गेट ओवर हियर 1250 और यहाँ पर आएगा 1450, यहाँ पर आ जाएगा 1090 और यहाँ पर 1 से करेंगे 10,000 और इसको हम ऐड कर देंगे 0094 15+6 2 3 4 2 3 4, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिखाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, जितने भी कैश इनफ्लो हैं उसकी कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1+k, k है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज k, k इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 12%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 1 1+12/100 और इसको 4 times आप ले जाइए, पावर 4 times है, इसको भी सॉल्व करेंगे आप एनओटी टेबल की सहायता से भी, आप जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है उसमें भी आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू नजर आएगी 0.636। अब देखिए आपके पास कितना है 4460, जो अभी आपने कैलकुलेट किया कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और जो नीचे अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में जाकर टेबल में वैल्यू देखते हैं तो ये है 0.636 इसकी वैल्यू है। बस अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28363, आप इसे डिवाइड कर दीजिए इसको 4460 डिवाइडेड बाय 0.636, तो आपका आंसर आ जाएगा 28363। तो अब इस केस में क्योंकि आपके जो कैश इनफ्लो की जो वैल्यू है 2836 वो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है आपके 20,000 जो आपका कैश आउटले था, देन इन दिस केस द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। तो ये तो बहुत इजी और बहुत इजी तरीके से आपको पता चल गया कि हाउ वी कैलकुलेट और हाउ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड अंडर द टर्मिनल वैल्यू मेथड। अदरवाइज जो टर्मिनल वैल्यू है उसके और जो मेथड्स हैं उसकी भी फॉर्मूले हैं आपके, जैसे आप टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जो आपको मैंने मेथड अभी परपेचुटी मेथड बताया था दैट इज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में, तो उसका फॉर्मूला भी हम देखते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं ताकि आपको टर्मिनल वैल्यू के अलग अलग जो फॉर्मूले हैं या मेथड्स हैं वो भी पता चल जाए। तो इसमें देखिए आपने कैसे करना है, अगर टर्मिनल वैल्यू आपके सामने, मैंने फिर से एक जो अकॉर्डिंग टू परपेचुटी और आप कह सकते हैं कि GGM मेथड दैट इज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अनुसार आप टर्मिनल वैल्यू इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो FCFF है फ्री कैश इनफ्लो आ रहा है, इसके अलावा जो आपका जी है दैट इज परपेचुटी ग्रोथ रेट, और इसके अलावा जो आपका WACC है वो आपका है डिस्काउंट रेट,
WACC is equal to discount rate. तो ये आपका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. अकॉर्डिंग टू गॉर्डन ग्रोथ मॉडल FCFF का मतलब है फ्री कैश इनफ्लो इन फाइनल ईयर. और यहाँ पर G स्टैंड्स फॉर परपेचुटी ग्रोथ. और WACC माइनस G, WACC स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट. तो हम एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर भी समझेंगे. परपेचुटी जो मेथड है आपका टर्मिनल वैल्यू का, उस मेथड में भी हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को समझेंगे. और उसके अलावा आपका एग्जिट मल्टीपल मेथड है जिसमें एस्टिमेट किया जाता है फेयर प्राइस बाय मल्टीप्लाइंग फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे सेल्स है, प्रॉफिट है, अर्निंग्स है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन है. तो जैसे बाकी इंडस्ट्री जो कॉमन इंडस्ट्रीज है जैसे वहाँ पर वैल्यूएशन की जाती है, उसी तरीके से हम एग्जिट मल्टीपल मेथड में भी करते हैं, वैल्यू निकालते हैं. अगर क्यों ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि आना वाले जो समय है वो इन्फिनिट है. हमें नहीं पता कि कितने लंबे समय तक कंपनी चलेगी और कब कंपनी जो है अपना बिजनेस सीज कर देगी, खत्म कर देगी. तो हम ये वाला मेथड जो है अप्लाई करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ. देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल डिस्प्ले किया है. समझ लीजिए एक मिस अनु है जिनको एस्टिमेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए दिया गया है किसी फॉर्म के बारे में. एक फॉर्म के बारे में उनको एनालाइज करने के लिए कुछ टर्म्स दी हैं. और वो क्या टर्म्स हैं कि उनका जो कैश फ्लो है उसका जो जी होगा वो होगा 2%, राइट. और उसमें से देखिए आप, और जो उसका जो फ्री कैश फ्लो होगा फाइनल ईयर में वो कितने मिलियन होगा. फ्री कैश फ्लो जो होगा That will be 20.5 million. और ये कब होगा? After 6 years. आप ऐसे समझ कर चलिए. और 2% आपका आ गया है 20.5%. और आपको समझ लीजिए डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 11%. तो आइए अगर ये प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इस अनुकूल कहा गया है कि कंपनी को आपने एनालाइज करना है और वहां का फ्री कैश फ्लो कितना है 20.5 million है आफ्टर 6 years. और जी आपको दिया हुआ है जो ये परपेचुटी ग्रोथ रेट है वो 2% दिया हुआ है और डिस्काउंट रेट आपको 11% दिया है. तो देखेंगे हम कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व किया. इसमें हम करेंगे ₹20.5 million थे आपके, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आपका 0.02 आपका जी आ जाएगा. और इसको हम डिवाइड करेंगे आपका जो है 0.11. ऐसे करते हैं यहाँ पर आपको जो फ्री कैश को आफ्टर 6 ईयर दिया है दैट इज 20.5 दिया हुआ है. और यहाँ पर लिखेंगे हम 20.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 + G आपको दिया हुआ है 0.02 दैट इज 2%. और डिवाइड करेंगे हम आपको WACC दैट इज डिस्काउंट रेट हैज बीन गिवन 11%. तो 0.11 ले लिया है, माइनस करेंगे 0.02. इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी 232.3 million. इस केस में भी देखिए जो आपका आउटले है 20.5 उससे आपका जो आ रहा है जो आपके पास कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट वो कितना है 232.3. That means this project should be accepted. Perpetuity growth method. उसके बदले में आप terminal value must reflect the net realizable value of a company's assets at that time. तो exit multiple estimate से fair price. How? That we are multiplying financial statistics such as sales, profit, earning before interest, taxes, depreciation, amortization by factor which is common to a similar firm that we recently acquired. तो ये सारे मेथड्स, ये सारे हमने देखा आज टर्मिनल वैल्यू मेथड जो कि लास्ट मेथड था कैपिटल बजटिंग का. और इसमें जो हम लिमिटेशंस है वो ये हैं कि यू कांट प्रिडिक्ट दैट व्हाट इज एग्जैक्ट अकाउंटिंग ग्रोथ रेट और यू कांट प्रिडिक्ट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. टर्मिनल मल्टीपल मेथड है दैट इज लिमिटेड बाय द डायनामिक नेचर ऑफ मल्टीपल्स.
that changes as the time passes. तो future is uncertain हम कह सकते हैं. तो careful consideration we should take whenever we are applying all whatever methods of terminal value method. तो hope आपको ये मेरी video बहुत useful लगी होगी. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस video को बनाने के लिए मैं बहुत सारी video पहले वॉच करती हूँ और उसमें से निष्कर्ष निकालती हूँ और अडॉप्ट करती हूँ सबसे ज़्यादा इजी वे ताकि आपको इजीली जो है कॉन्सेप्ट समझ में आता है. तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. आगे आने वाले समय में हम अगला जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डिविडेंड, कि डिविडेंड कैसे पे की जाती है, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड को और क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं डिविडेंड का. तो आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे दो वीडियोस में एटलीस्ट दो पार्ट्स में डिविडेंड. और उसके बाद जो मेरा आने वाला प्लान है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि मैंने अपने करियर में कम से कम मुझे याद है जहाँ तक याद आता है 25 साल तक लगातार कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया है. LPU में MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और भी जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस हैं उनको ही मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बहुत सारा क्लियर किए हैं कंसेप्ट. तो आप मेरे साथ इसी तरह जरूर बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.